हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको मेथड फर्स्ट और शॉर्ट मेथड जो सेकंड होता है वो दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहती है, सॉल्व 2r माइनस एस माइनस 3t इज़ इक्वल टू 5 ए की पावर x अपॉन ए की पावर y। ये चीज़ है, आपको पता है r का मतलब होता है कर्ली स्क्वायर z ओवर कर्ली x स्क्वायर, t का मतलब होता है कर्ली स्क्वायर z ओवर कर्ली y स्क्वायर, और एस का मतलब होता है कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई, और आर का मतलब होता है डी स्क्वायर जेड, टी का मतलब होता है डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जेड, और एस का मतलब होता है डी डी डैश जेड। इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा इक्वेशन चेंज होके कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फंक्शन हमारा जेड में होता है, चूँकि ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई था तो ऊपर जाके एक्स माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया तो ये फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई के रूप में हो गया है, यानी कि a के प्लस पे तो 1 है और b के प्लस पे माइनस के 1 है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका हम क्या कर देते हैं, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर आपको मिल जाएंगे 2d माइनस 3d डैश, और दूसरे फैक्टर आ जाएगा d प्लस डी डैश। ओके, अब हमें क्या निकालना है, cf और pi। cf निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, डी के प्लस पे एम रखना होता है और डी डैश के प्लस पे 1, और जेड के प्लस पे भी 1 रखना होता है, और जो क्यू होता है उसके प्लस पे 0 रखना होता है। ये हमने रख दिया है तो हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 1 और दूसरी मिल जाएगी 3/2। तो हमारा सी एफ आ जाएगा 5y प्लस m1x प्लस 5y प्लस m2x, m1 की वैल्यू माइनस 1, m2 की वैल्यू 3/2। अब ये 5y था तो ये 5y माइनस x ये तो ऐसे कैसे ही रहा, इसको हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया, लॉस ऑफ इधर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 3x, तो यहाँ पर हमारा हो गया 2y प्लस 3x, जो अपॉन में होता है उसे हम नहीं लिखते हैं, और इस ये जो हमारा 5-2 था इसको हमने चेंज कर दिया इसे 5-1 में, नया ऑपरेटर आ गया, नया आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ये, क्योंकि इसको हमने इस प्रकार से चेंज किया है। ओके, ये हमारा सी एफ आ गया है। अब आ जाते हैं इसके पी आई पर, आपको पी आई का फॉर्मूला पता है, वो होता है क्यू अपॉन एफ डी, ये क्यू है ये नीचे एफ डी है। अब 5 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन आपको लेना कौन सा है, अगर आप बात करें ये वाला, देखिए जब x का कोफिशिएंट 1 है और जो कि डी की जगह पर रखना होता है, और y का कोफिशिएंट -1 जो डी एच की पर रखना, अगर हम ये वाला लेंगे पहले तो मेथड फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 0 बना दे रहा है, और उस केस में हमें लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर मेथड सेकंड। तो आप क्या करिए, इस वाले को रखिए अंदर बाहर, इस वाले को अंदर ले लीजिए, क्योंकि ये 0 नहीं बना रहा है, तो 0 नहीं बना रहा है यानी कि मेथड फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है इसकी डिग्री, तो हमें इंटीग्रेशन एक ही बार करना है, और x माइनस वाई है तो इसको x माइनस वाई की जगह पर क्या जाता है v, और v मतलब क्या है x माइनस वाई है, एक की पावर v, एक बार इंटीग्रेशन एक की पावर v का एक की पावर v होगा, और v की जगह पर हम क्या रख देंगे x माइनस वाई एंड में, तो ये हमारा आ गया एक की पावर v x माइनस वाई, हमने रख दिया इंटीग्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर हमारा d प्लस डी डैश है, अब देखिए d के प्लस पे रखेंगे 1 और d डैश के प्लस माइनस 1 रखेंगे तो 0 बन रहा है, 0 बन रहा है यानी कि हमें मेथड सेकंड अप्लाई करना है। वो क्या होती है, अगर आपका फंक्शन y प्लस mx के रूप में है और नीचे भी d माइनस m d डैश की पावर n है, तो वो होता है x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और वही फंक्शन यानी कि तो d डैश का कोफिशिएंट होना होता है वो आपका x का कोफिशिएंट भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और डी डैश का कोफिशिएंट भी कितना है हमारे पास, 1 है। ओके, तो उस रूप में हमारा आ जा रहा है, दिख रहा है ये फंक्शन। अब हमें क्या करना है, मेथड सेकंड अप्लाई करनी है, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x की पावर n होता है तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और वो फंक्शन वैसे का वैसे e की पावर x माइनस वाई, यानी कि इसका जो हमारा pi आएगा वो आएगा x e की पावर x माइनस वाई, ये आपको मिल जाएगा pi। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप सी एफ और पी आई को जोड़ दीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।